अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 7 सेवंथ क्लास मैथमेटिक्स का दे रहे हैं। हम रिश्ते नंबर पर जो है वो कुछ डिस्कशन कर चुके हैं, और इससे पहले लेक्चर में हम ऑपरेशंस ऑन रिश्ते नंबर्स सीख चुके हैं, वहाँ पर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सीख चुके हैं। आज भी बिल्कुल उसी से रिलेटेड टॉपिक है, वहाँ पे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा था, और आज हम रिश्ते नंबर की मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे कि हम दो रिश्ते नंबर या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं कि उनका मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ये दो तीन एग्जाम्पल्स लिख चुका हूँ। तो जो पहला एग्जाम्पल है ये है कि 4/7 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे ये आप लोग 3 क्लास से लेकर तो आज तक, यानी 6 क्लास तक, 7 क्लास तक जो है वो आप लोग तकरीबन हर क्लास में पढ़ते आए हैं, तो इस वजह से इनको करने में कोई दिक्कत लोगों को नहीं आएगी। इसके दो मेथड्स हैं। सबसे पहले ये बात ध्यान में रखें कि यहाँ पे जो क्वेश्चन हो लिखा हुआ है और हर बुक में तकरीबन होता है कि इनको मल्टीप्लाई भी करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4/6 है, तो इसका मतलब ये है कि ये अगर कोई ऐसा टेबल मौजूद है आपके, वो इन दोनों को डिवाइड कर ले तो वो डिवाइड करें, मतलब ये 2 पे जा रहा है और ये 2 पे, तो ये 2/3 आ गया। अब ऐसी कोई भी और टेबल फारा मौजूद नहीं है जो कि इन दोनों को जो है वो डिवाइड कर जाए, तो अब इसको हम कहते हैं कि ये 4/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसका भी हमने वही करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इसको दो तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि या तो अभी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में अगर कोई ऐसा एक टेबल पहाड़ा मौजूद है कि जो दोनों को डिवाइड कर जाए तो अभी ही कर लें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 2s are 4 और 3 2s are 6, मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई सभी हिंसा हो, ये चाहे ये हो या ये हो, और न्यूमिनेटर में हमने दोनों ये हो या ये हो दोनों के साथ, यानी इनके साथ भी कोई हो सकती है, इनके साथ ये और ये दोनों में से ये भी हो सकती है, और इस तरह 6 के साथ 4 और 1 का, यानी जिसके साथ भी इस तरह कॉमन टैब जा रही हो तो उनसे डिवाइड कर जाए। तो ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे कोई भी नहीं, 7 इसके साथ भी नहीं डिवाइड हो रहा है सेम टेबल पे, और यहाँ पे भी नहीं, और इस तरह 3 2 के साथ भी नहीं हो रहा और 1 के साथ भी नहीं, तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। मतलब क्या रह गया, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 1/3, और अब 2 1s are 2 डिवाइडेड बाय 2 7s are 21, या तो यूं कर लें। अब अगर इस तरह नहीं करते हैं तो फिर आप लोग यूं भी कर सकते हैं कि पहले इन क्वेश्चन है हमारा कि 4/7 मल्टीप्लाई बाय 1/6, पहले मल्टीप्लाई कीजिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 4, और अब ये इसके साथ 42। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अब इनको जो है वो सिंपल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, तो अब ये 2 टेबल्स के दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये दोबारा वही आ गया, या यहाँ पर सिंपलीफाई करना या यहाँ पर सिंपलीफाई करना, नीचे दोनों का मतलब एक जैसा है, आपको जो आसान लगे वो करना। इसके बाद जो एक और है वो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, और उनको हमने फिर प्रॉपर या इम्प्रॉपर इन फॉर्म में लिखना पड़ता है। यहाँ पर है कि 1 whole 2/5 मल्टीप्लाई बाई 2 whole 2/2। अब यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इनको जब हम सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो इनको एक साथ मल्टीप्लाई करें, 5 5s are 5 और +2 7/5 और 2s are 4 और 4 plus 2 6/2। अब वही काम कर लें जो मैंने किया था, या तो अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए या
बाद में सिंप्लीफाई कीजिए या अभी सिंप्लीफाई कीजिए और फिर बाद में मल्टीप्लाई कीजिए, तो वो जैसा करेंगे वो कोई इशू नहीं है। चलो मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से आ जाता है 42 और डिवाइडेड बाय 10, ये इसके साथ मल्टीप्लाई। तो अब ये टू टेबल में दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 21, यानी आ रहा है 21/5। तो अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर को हम बेस से मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, यानी ये से आ जाएगा कुछ यूं, यानी इसको हम कैसे लिखते हैं के 4 whole 1/5, तो इसको यूं लिखते हैं और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो दैट्स वेरी इजी, कोई मुश्किल बात इन क्वेश्चन में नहीं है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पहले जो एक और टर्म जानना बहुत ज़रूरी है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो भी है बस ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, यानी अब कोई ऐसा नंबर आप लोग तलाश कीजिए कि जब वो आप किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब 5 के साथ अब कोई एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कीजिए जो दोबारा हमें 5 दे, -3 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कीजिए दोबारा -3 दे दे, तो ऐसा सिर्फ एक ही है जो कि 1 है। अब इस 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से जब हम एडिटिव के लिहाज से आइडेंटिटी देखते हैं, तो वहाँ पर फिर हम क्या करते हैं कि 5 के साथ कोई ऐसा डिजिट्स कोई ऐसा नंबर एड कीजिए कि दोबारा 5 आ जाए। इसी तरह से अगर -3 हो तो ऐसा नंबर एड कीजिए कि वो दोबारा -3 यानी वही नंबर दोबारा दे, तो वो क्या है 0 है, और 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये आई थिंक हम कहीं पे पढ़ चुके हैं। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब आइडेंटिटी तो हमने जान ली, गिवन को आइडेंटिटी कहते हैं। अब अगर कोई नंबर गिवन हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर गिवन है -3, चलो मैं पहला सिंपल सा एक नंबर लिख देता हूँ 3। अब कहा जाए कि इस 3 का आप लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि जो हमें आइडेंटिटी नंबर दे दे। क्या दे दे? आइडेंटिटी, यानी 1 दे दे। तो वो क्या है? अब वो नंबर तो बहुत इजी है, 1/3 एक साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 1 देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1/3 है ये 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सिमिलरली यहाँ पर जो गिवन है उसके लिए हमने देखना पड़ेगा, यहाँ पर है पहला के 3/8 की जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कीजिए। तो इसके लिए क्या कर लें कि इसके साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कीजिए जो हमें 1 दे। तो अब ऐसा किया है, ऐसा यानी इन दोनों को उल्टा कीजिए, यानी यहाँ पर लिखिए 8 और नीचे लिखिए -3, तो इससे 1 आ जाता है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर ये और ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल, तो 1 तो रहता है ऊपर, यानी 1 multiply by 1 आ जाएगा और 1 multiply by 1 आ जाएगा, तो 1/1 या सिर्फ 1 लिखो। तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकालते हैं कि दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/8। तो बहुत इजी है। सिमिलरली जो एक और गिवन है कि 2 1/5, इसकी मालूम करने पहले तो इसको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिखिए, तो 11/5। अब इसकी इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये हमें 1 दे दें, तो जस्ट इनको उल्टा कीजिए और
इस उल्टा करने के लिए जो वर्ड्स आमतौर पर इंग्लिश में या मैथ्स में यूज होता है वो यूज होता है यहाँ पे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स। यानी ये क्या है, ये इसका रेसिप्रोकल है और इसको हम कहते हैं कि ये इसका आइडेंटिटी। अब यहाँ पे अगर एडिटिव आइडेंटिटी आप लोगों से मांगी जाए, वैसे हमारा टॉपिक वो नहीं है लेकिन वो भी मालूम करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, वो क्या होगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों को गिवन है कि -1/3 का जो है वो आप लोग एडिटिव आइडेंटिटी मालूम कीजिए, तो फिर अब हम इसके साथ क्या ऐड कर जाएं कि वो हमें आइडेंटिटी दे दे, मतलब ज़ीरो दे दे, क्योंकि एडिशन में हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो ज़ीरो होती है। तो इसके साथ जब हम +1/3 ऐड करते हैं तो ये माइनस, ये हमें ज़ीरो देता है। तो अब ये जो 1/3 है ये एडिटिव इनवर्स है इस -1/3 का। तो दैट्स ऑल वेरी। अब जो एक और ऑपरेशन हमने रेशनल नंबर पे अप्लाई करना है वो है डिवीजन। तो डिवीजन के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि 1/3/5/9। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब जानते हैं पहले से ही कि जब एडिशन ये मल्टीप्लिकेशन गिवन हो तो उसको हम डायरेक्ट कर जाते हैं, और जब डिवीजन में क्वेश्चन गिवन हो तो उसको हम पहले मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएं और ये जो सेकंड टर्म होगा इसको उल्टा कीजिए। तो उल्टा करने का मतलब ये है, यानी रेसिप्रोकल लीजिए, यानी 9 को ऊपर और 5 को नीचे लीजिए। अब बस इजी है, सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9 और यानी 1/3 वहाँ पे रहता है और 1/5 यहाँ पे रहता है, तो 3 5 और ये हमारा आंसर है। यानी जो भी गिवन हो डिवीजन में फर्स्ट टर्म को अपनी जगह पे लिखिए, इस डिवीजन को साइन को जो है वो इस फॉर्म में लिखिए, यानी मल्टीप्लिकेशन में लिखिए, और जो दूसरा टर्म हो उसको उल्टा कीजिए, रेसिप्रोकल लीजिए, तो वहाँ से जो है वो आप लोगों का वो हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने जो है वो ओरिजिनल नंबर को डिस्कस किया काफ़ी डिटेल के साथ, तो नेक्स्ट चंद लेक्चर में भी हमारा वही होगा। और इस पर हमने जो ऑपरेशन थे वो अप्लाई किए, इसकी हमने एडिशन देख ली कि इसकी एडिशन क्या होती है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन, तो ये दोनों की दोनों जो बातें हैं वो हमने कल, और आज जो है वो इसकी मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये दो इम्पॉर्टेंट्स, और इसके सिवा इसकी जो इन्वर्सेस है ये भी आज हमने मालूम कर ली। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें हम लोगों की समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो नीचे मेरे मुझसे व्हाट्सएप और ईमेल या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मेरा जवाब इंशाल्लाह आएगा। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और हाँ ये बात ध्यान में रखें कि इन तमाम ये जो क्वेश्चन हो चुके हैं अब इस पर आप उनका एक्सरसाइज नंबर 2.3 KPK बोर्ड KPK के जो गवर्नमेंट स्कूल में जो फॉलो की जाती है उसका 2.3 एक्सरसाइज आप लोगों का हो गया, अगर इनकी समझ आ गई है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आप जहाँ भी हो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अल्लाह हाफिज़।